please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज बात हम तो पूछेंगे 2008 के मालेगांव ब्लास्ट की, जिसको लेकर एक बड़ा और अहम फैसला आया है, जिसके तहत जिस कर्नल पुरोहित को सबसे बड़ा साजिशकर्ता बताया गया, आरोपी बताया गया, उसको आज 9 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जी हाँ, जिस मालेगांव ब्लास्ट में कई लोगों की जान गई थी और उसको उस वक्त की यूपीए सरकार के तमाम दिग्गजों ने भगवा आतंकवाद, हिंदू टेरर का चेहरा देने की कोशिश की थी, आज उस पे से अब लगभग तस्वीर साफ होती दिखाई देती है, क्योंकि जो 3 आरोपी थे तीनों इस वक्त जमानत पर बाहर आ चुके हैं, चाहे वो कर्नल पुरोहित हो, चाहे साध्वी प्रज्ञा हो या फिर असीमानंद हो, तीनों लोग इस वक्त इस मामले में जमानत पर बाहर आ चुके हैं। कुल मिलाकर परिस्थितियां जो हैं वह बार बार इस तरफ इशारा कर रही हैं कि क्या उस वक्त की यूपीए सरकार ने या कांग्रेस के दिग्गजों ने जानबूझकर बीजेपी को बदनाम करने के लिए, संघ परिवार को फंसाने के लिए इस भगवा आतंकवाद का जुमला गढ़ा था, भगवा आतंकवाद के नाम पर खौफ पैदा करने की कोशिश की थी। क्योंकि जहां तक मुझे याद पड़ता है, राहुल गांधी ने शब्द का इस्तेमाल अमेरिकन डिप्लोमेट के साथ बातचीत में भी किया था कि वो भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। तो आज हम इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि क्या कर्नल पुरोहित पॉलिटिक्स का शिकार हो गए, वो कर्नल पुरोहित जिसको आर्मी में काम करते हुए तमाम सारे साइटेशंस मिले, तमाम सारी सराहनीय उनको चिट्ठियां मिली, उसके बावजूद भी उनको फंसाया गया, क्या कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं की वो पोल जानते थे इसलिए उनको फंसाया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दी है। आज हम कुछ बड़े सवाल उठाने वाले हैं। हम तो पूछेंगे कि सरकार, कांग्रेस सरकार के वक्त में 6 साल तक, जब तक कांग्रेस की सरकार रही 2014 तक, क्यों नहीं इस मामले की चार्जशीट दाखिल की गई। 9 साल हो गए, अब तक इस मामले में चार्जेस नहीं फ्रेम हुए हैं। सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे कि क्या सियासी फायदे के लिए मालेगांव धमाके को हिंदू टेरर का नाम उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने दिया था। और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे, क्योंकि बीजेपी से है, संघ परिवार से है, एक जीत की तरह क्यों पेश कर रहा है, क्या ये जायज है। पॉलिटिक्स के शिकार पुरोहित और तमाम बड़े सवालों के साथ, बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन पहले दिन भर का घटनाक्रम। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, पॉलिटिक्स का शिकार पुरोहित। कांग्रेस सरकार ने अनैतिक रूप से, असंवैधानिक रूप से, अन्यायपूर्ण वे से, अत्याचार पूर्ण रास्ते से भगवा हिंदू आतंकवाद का पाप और अपराध किया। कांग्रेस के सरकार ने किस प्रकार से हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, ऐसे एक शब्द का गठन किया था वो हम सबने देखा था। और सबसे बुरी बात है कि देश के तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे जी ने सोनिया जी की उपस्थिति में सैफरन टेरर के विषय में कहा था। और बड़ी बात यह भी है कि पी चिदम्बरम ने भी सैफरन टेररिज्म को हवा दी थी, राहुल गांधी ने भी अमेरिका के एम्बेसडर को कहा था कि उनको सैफरन टेररिज्म से काफी डर है। क्या सचमुच सियासत के शिकार हुए सेना के कर्नल श्रीकांत पुरोहित? क्या उन्हें फंसाया गया था, और फंसाया गया तो क्यों? ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब देश को मिलना चाहिए। लेकिन इन सवालों से पहले आज कर्नल पुरोहित के समर्थकों के लिए जश्न का दिन था। 8 साल 8 महीने से जेल में बंद 2008 मालेगांव धमाकों के मुख्य आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी। Some short, 1 lakh surety and the other normal conditions. So he's got bail. The order of the Supreme Court because of which he will come out. No other reason. So it was a legal process. So उसी में 9 साल निकल गए, तो just happy to. जिस शख्स को गिरफ्तार कर तब की यूपीए सरकार ने भगवा या यूं कहें कि हिंदू टेरर के खुलासे का दावा किया था, साध्वी प्रज्ञा के बाद उस टेरर लिंक से जोड़े गए कथित बड़े किरदार कर्नल श्रीकांत पुरोहित को जमानत मिलने से सियासी उबाल आ गया। किसी ने मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े किए तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अगर जमानत दी है तो उस पर हैरत करना तो कोई बुरी बात नहीं है। मैंने उस पर कोई उल्टी सीधी टिप्पणी तो नहीं की, मैंने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने गलत फैसला किया है,
लेकिन हैरत करने का मुझे इख्तियार है। Since 2014, since Mr. Modi has become the Prime Minister and BJP has come in power, you are seeing pattern of these cases where the Hindutva alleged accused are involved, the cases are dropping. God save the nation, that's all. सबसे ज्यादा सवाल तो NIA को लेकर उठाए जा रहे हैं। हालांकि मुंबई ATS और NIA की रिपोर्ट एक दूसरे से उलट रही है, लेकिन अब NIA के रुख में साजिश की तलाश हो रही है। शुरुआत दिग्विजय सिंह ने की। ऐसा क्यों है कि मोदी सरकार को भारत में ऐसा कोई योग्य अधिकारी नहीं मिल पाया जो NIA का नेतृत्व कर सके? सरकार ने NIA के मौजूदा प्रमुख का कार्यकाल दो बार बढ़ाया। NIA प्रमुख का कार्यकाल दो बार बढ़ाया गया ताकि रिहाई को सुनिश्चित किया जा सके, उन्हें सेवानिवृत्त के बाद कोई पद देकर और भी पुरस्कृत किया जा सके। In this case, maybe the framing of charges or the final charge sheet is delayed because the government wanted to somehow or the other prove its Hindu terror allegation to be false. भारत सरकार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में कोई भी पुलिस अधिकारी क्यों नहीं मिल रहा कि दो दो बार एक्सटेंशन दे रहे हैं NIA के करंट प्रमुख को? एक तरफ जमानत पर प्रलाप तो दूसरी तरफ कानून की दुहाई। अब ऐसे न्यायालयीन निर्णयों के मामले में कोई सवाल उठाना है लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक साबित होगा। जो बोलना है वो खुद जाके पैरवी कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम तो पूछेंगे कि क्या हिंदू टेरर की थ्योरी कांग्रेस की साजिश का नतीजा है? एक बार फिर से हमारा सवाल सुनिए, क्योंकि आपके जवाबों का शो के दौरान मुझे इंतजार रहता है। सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या हिंदू टेरर की थ्योरी कांग्रेस की साजिश का नतीजा है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP space देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए HTP space देकर एन लिखिए। 51818 पर अपने जवाब हमको भेज सकते हैं। #HTP और #पुरोहित बहाना हिंदू निशाना, इसके जरिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं, अपने सवाल सुझाव इस फेसबुक पेज पर और ट्विटर हैंडल पर भेज सकते हैं। मेहमानों का परिचय कराते हैं जो खास लोग मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं और कुछ लोग बाहर से भी हैं। सबसे पहले अवनिजेश अवस्थी जी हैं जो कि RSS के विचारक हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ जानी मनी वकील ऐश्वर्य भाटी जी हैं, आपका भी स्वागत है ऐश्वर्य जी। जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका परिचय करा दूँ। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। सैयद असीम वकार, MIM के जनरल सेक्रेटरी, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और तस्लीम अहमद रहमानी साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। आप चारों का इस डिबेट में मैं स्वागत करता हूं। प्रियंका जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, सीधा आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आतंकवाद का रंग होता है? आज ये बात साबित हुई है। शायद आपको RK सिंह जी, जो उस समय पे होम सेक्रेटरी थे और भारतीय जनता पार्टी के अब MP हैं, जिन्होंने ये सबसे पहले शब्द का इस्तेमाल किया था अपनी रिपोर्ट में, वो जवाब अच्छे तरीके से दे सकेंगे। अब अगर हम 2006 में जाएं, जब 37 लोगों की मौत हुई थी मालेगांव में, तो उस समय हेमंत करकरे में जो शहीद हुए थे 26/11 के आतंकी हमले में, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो भी एक हिंदू हैं। उन्होंने अभिनव भारत को दोषी माना, उन्होंने कहा कि वहां से जो भी टेरर उत्पात हुआ था, मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, वहां से लोग उससे जुड़े हुए थे। उसी में कर्नल पुरोहित थे, साध्वी प्रज्ञा थी, जिसके अंतर्गत जो NIA का इन्वेस्टिगेशन चल रहा था वो हो रहा था। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 26/11 में हेमंत करकरे जी की मौत हुई थी और उसके बाद से हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन में नए लोग आए, नई चीजें हुई। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2014 में रोहिणी सालियान जी, जो चीफ प्रोसिक्यूटर थी, उन्होंने बकायदा एफिडेविट में कहा गया था किस तरीके से उन पे एक तरीके का प्रेशर लगाया जा रहा है विटनेसेस को डाइल्यूट करने को, और उन्होंने कोर्ट में कहा था, बकायदा कोर्ट में बिल्कुल कहा था। और आज तो हमारा मानना बस एक है, आज की उनकी प्रतिक्रिया, हमारा मानना बस एक है, टेरर का कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, कोई जाति नहीं होती।
टेरर जो होता है वो किसी को भी ध्यान में रखकर ये गोलाबारी नहीं, नहीं सॉरी प्रियंका जी, तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है प्लीज मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। समय जी आज जो बात कही है मैं कंप्लीट कर लूं, आपने अपनी बात कही थी, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया कि कोई रंग नहीं होता। सॉरी प्रियंका जी, मैं ये अपने अनुभव से बता रहा हूं, मेरे को आपके आपके उस वक्त के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब ने जयपुर के अधिवेशन में जहां पे राहुल गांधी को अगले दिन उपाध्यक्ष बनाया गया उसके एक दिन पहले मेरे ख्याल से 18 जनवरी की तारीख थी, वो 17-18 जनवरी की, मैं ये याद दिलाऊं दर्शकों को भी, मेरे साथ सुशील कुमार शिंदे ने, मैं और 3-4 पत्रकार थे, उनके सामने कहा भगवा आतंकवाद, ये देश भगवा आतंकवाद की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं पता आर के सिंह की तब की रिपोर्ट क्या थी और क्या नहीं थी, आज की तारीख उस वक्त से लेके, सुनिए ना सुनिए ना, आपने तमाम खामियां गिना दी इस सरकार की कि आप, लेकिन 6 साल तक आपकी सरकार रही, क्यों चार्जेस फाइल नहीं हुए? 2014 तक नहीं, नहीं, एक बार भी चार्जशीट नहीं हुई, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? अगर ये सब लिप्त थे आपकी... असीमानंद प्रज्ञा कर्नल पुरोहित, तो क्यों नहीं कोई चार्जेस फाइल फ्रेम हुए? अब सुमित जी मैंने आपकी पूरी बात सुन लिया, मैं मुझे 30 सेकंड का अगर समय मिल सकेगा तो मैं आपको जवाब भी दे देती हूँ। तो मैंने जैसे शुरू जहां पे मुझे रोका, मैं अभी भी कहूंगी कि एनआईए आज जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बकायदा कहा था उनके पास काफी एविडेंस है और वो चाहेंगे कि बेल इनको नहीं दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और बकायदा कर्नल पुरोहित की मैं कहूंगी उनका एक राइट है, अक्यूज हो सकते हैं, पर उनको एक बाइज़त बरी नहीं किया गया है, उनका ट्रायल अभी शुरू होगा और एनआईए बिल्कुल है कि उनके पास एविडेंस। प्रियंका जी 9 साल 8 महीने एक आदमी की, एक फौजी की, ऐसे हो गई ना, एक पूरी जवानी बर्बाद कर दी गई और अभी तक ये साबित नहीं हुआ है कि वो दोषी भी है, वो निर्दोष भी हो सकते हैं। तो वही तो वो निर्दोष भी हो सकते हैं, देखिए ऐसा है तो हम नहीं निर्दोष हो सकते हैं, कहीं हमने ये नहीं कहा है वो किसी तरीके से दोषी हैं, पर हमें अगर विश्वास अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे रखना है और बकायदा रखना है तो हमें ये भी समझना होगा कि जो जिस जिम्मेदारी से कहां रख रहे हैं, फैसला आता है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, दिग्विजय सिंह जी ट्वीट करते हैं कि ये तो होना ही था, ये सरकार एनआईए के थ्रू ये करा रही है, तो इसी एजेंसी पे जिस पे आप भरोसा रखने की बात कह रही हैं, आपके अपने नेता भरोसा नहीं कर रहे। दोनों तरफ की बात बताई मैंने आपको, बिल्कुल दोनों तरफ की बात बताई, एनआईए गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बेल के खिलाफ अपनी पैरवी की, और दूसरी तरफ हमारे पास रोहिणी सालियान की एफिडेविट है जहां पे उन्होंने बकायदा नाम लेकर कहे हैं, जमानत हुई ना एनआईए का जो चीज नहीं, जमानत हुई है, ट्रायल तो नहीं शुरू हुआ उनका, ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुआ, मैं तो ये आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन 2014 तक आपकी सरकार रही, क्यों इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो पाया, क्यों चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, जब इतना ब्लैक एंड व्हाइट केस था कि कर्नल पुरोहित ने आरडीएक्स सप्लाई किया और प्रसाद जी प्रज्ञा के स्कूटर में रख के गया और वो पूरी स्कीम में असीमानंद शामिल थे, तो क्यों नहीं हुआ जब इतना ब्लैक एंड व्हाइट केस था? सीरियस सवाल है मेरा जी। नहीं नहीं सुमित जी देखिए ऐसा है, ब्लैक एंड व्हाइट केस अब मीडिया के लिए हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट केस मेरे हिसाब से हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट केस भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से हो सकता है जो क्लीन चिट देने में अभी व्यस्त हैं। मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस तरीके का सवाल उठाना मैं कहूंगी कि गलत है, तो ये जो क्लीन चिट दिया जा रहा है मैं कहूंगी कि ज्यादा प्रेशर डालते हुए ट्रायल शुरू होने दीजिए। आज सुबह से जो बयान आए हैं तो उनको प्रियंका जी आप सुन भी लीजिए, अब जरा सुन लीजिए आप बोलनी है, काफी बोलनी है। अब अभी इन्होंने कहा कि एनआईए ने उसका विरोध किया, इसका मतलब एनआईए किसी प्रेशर में नहीं थी सरकारी, ये तो मान लिया प्रियंका चतुर्वेदी ने कि उसकी जो सुप्रीम कोर्ट की जमानत मिली है, जब साध्वी प्रज्ञा को जमानत मिली थी उस दिन विरोध किया गया था, साध्वी प्रज्ञा को जमानत नहीं, मिली थी, लेकिन इनको नहीं हो पाई, लेकिन साइमल्टेनियस कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि एनआईए को या ऐसी तमाम संस्थाओं पर इस समय की एनडीए की सरकार का दबाव है जिसके कारण ये सारे केस ड्रॉप होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, और शरद कुमार की एक्सटेंशन पर बातें की जा रही है, रोहिणी सालियान एक्सटेंशन पर बातें की जा रही है, और आज ये कहा गया अपने तर्क के पक्ष में, अपने पक्ष में जो तर्क दिया गया वो ये तर्क, दोनों बातें नहीं चल सकती, बिल्कुल भी दोनों बातें नहीं चल सकती, नंबर एक बात, नंबर दो बात सुप्रीम कोर्ट ने आज वर्डिक्ट में पता क्या कहा है, कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है उनका कि किसी भी एक समुदाय को खुश रखने के लिए या एक समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इसलिए किसी को बेल देने से मना नहीं किया जा सकता। अब तक इसका मतलब किस आधार पर, क्या तर्क था, क्या तर्क दिया गया था, नंबर एक बात, नंबर दो बात,
आज प्रियंका जी आपने कह दिया सिर्फ सिर्फ सुशील कुमार शिंदे नहीं, पी चिदंबरम, राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के कहा कि हिंदू टेररिज्म आ रहा है। आज पूरे देश को इस बात का जवाब देना पड़ेगा, आपको यह पूरी कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं, मालेगांव समझौता एक्सप्रेस, इशरत जहां, ठीक है, एक एक आपकी जोड़ खुद दिया गई, प्रियंका जी 30 सेकंड पूरी तरीके से रिवर्ट करिए, पूरी तरीके से आपने इस्तेमाल किया है एक कम्युनिटी को। अभिषेक अवस्थी जी राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं विकीलीक्स के आधार, मुझे मालूम है कि राहुल गांधी का नाम लेते हैं आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ये सच आप कहिए, आपको आरके सिंह का नाम, आपको आरके सिंह का नाम याद आया, आपको राहुल गांधी का नाम ध्यान नहीं आया, आपको अपने वाइस प्रेसिडेंट का नाम ध्यान नहीं आया, आपको क्या कहा था कि एक तरफ क्या कहा था राहुल गांधी ने, देखिए आप बीच में मत बोलिए, मैं आप आप सीधे ये कहिए राहुल गांधी ने क्या कहा था जाकर आधार पे। अभिषेक जी आप सुनने की प्लीज, मेरा नाम अभिषेक नहीं, आप नाम अवनीश, आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं, आप सुनिए, जो भी है आई एम सॉरी मैंने आपका नाम नहीं सुन पाई हूं, पर आप आरएसएस के प्रवक्ता हैं, मैं आपको यही कहूंगी विकीलीक्स के आधार पर अगर आपको बातें करनी है तो विकीलीक्स के हिसाब से बहुत सारी चीजें सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में कही गई थी, बहुत सारे आपके नेताओं के बारे में कही गई थी। अगर आप इसको मानते हैं तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि सीआईए एजेंट शायद आज आपकी पार्टी में भी शामिल है, तो ये बात आप इसके आधार पर आर्ग्यूमेंट करना मानूंगी कि बहुत ही गलत। राहुल गांधी ने राहुल गांधी छोटे से बात को काउंटर करते हैं, आप राहुल गांधी छोटे से बात को काउंटर करते हैं, सुधांशु जी नेवर काउंट, नंबर एक बात, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल, सुशील कुमार शिंदे, सलमान खुर्शीद, पूरी की पूरी लाइन लगी है कांग्रेस के नेता आरके सिंह का नाम ध्यान नहीं आया, आपको सुशील कुमार शिंदे, पी चिदंबरम का नाम ध्यान नहीं आया जिन्होंने कहा था कि सेवन टेरर है, पूरे पार्टी के हर मंच से दिया गया, मुझे अच्छे से याद है आपकी पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने तो ये कहा कि 26/11 ना पकड़ा गया होता तो आप पता नहीं क्या क्या थोड़ी लगाते हो। प्रियंका जी एक मिनट प्लीज प्लीज, सुधांशु त्रिवेदी एक मिनट, सुधांशु जी, सुधांशु त्रिवेदी तैयारी कर, एक मिनट सुधांशु त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या ये सशर्त जमानत को जीत माननी चाहिए? ये तो सशर्त जमानत है क्योंकि 9 साल से एफआईआर चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं, इस बेसिस पे कोर्ट ने दिया है, कोई पाक साफ नहीं हो गए कर्नल पुरोहित अभी जो प्रियंका कह रही है? देखिए सुमित जी, इस चीज के दो पक्ष हैं, एक तकनीकी और कानूनी पक्ष है। देखिए सुमित जी, इस चीज के दो पक्ष हैं, एक तकनीकी और कानूनी पक्ष है। उस पर क्या हो रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, जैसे अभी स्पष्ट कहा गया कि एनआईए ने उसका विरोध भी किया, कोर्ट ने उस सारे साक्ष्यों को ध्यान में रखकर जो निर्णय लेना था लिया। दूसरा है इसका राजनीतिक पक्ष। देखिए मैं तकनीकी और राजनीतिक दोनों पे उत्तर देता हूं। प्रियंका जी का यह कहना सही है कि विकीलीक्स के आधार के ऊपर आरोप नहीं लगाने चाहिए, हम भी विकीलीक्स को कोई ब्रह्म सत्य नहीं मानते, पर विकीलीक्स के जिस केबिल में लिखा था उसमें डेट तक लिखी हुई है, जहां तक मुझे याद है 8 या 9 अगस्त 2009, जिस दिन राहुल गांधी जी ने तत्कालीन अमेरिकन एम्बेसडर से कहा। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अगस्त 2017 में बैठे हैं, 9 साल हो गए, आज तक राहुल गांधी जी की तरफ से इसका स्पष्ट दो टूक खंडन नहीं हुआ है कि मैं नहीं मिला था या मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, इसलिए संदेह रहा। चलिए उसको छोड़ दीजिए, विकीलीक्स को हम उसकी बात नहीं करते हैं, अभी उन्होंने कर्नल उन्होंने हेमंत करकरे जी की बात कही थी। मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी के अत्यंत वरिष्ठ नेता जो राहुल गांधी के एडवाइजर माने जाते थे, दिग्विजय सिंह जी ने यह बात कही थी कि हेमंत करकरे उनसे बात कर रहे थे, तो आज उनको जवाब देना चाहिए, या तो उनकी सरकार कहे किस कैपेसिटी में दिग्विजय सिंह बात कर रहे थे, और ये वही दिग्विजय सिंह थे जो कि 2011 में चार्जशीट दाखिल हुई थी और उससे पहले 2009 में हिंदू आतंकवाद के मंत्री थे, वो किस कैपेसिटी में बात करते, ना ही उनके पास क्या बातें होती थी, तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप था कि नहीं था, जिसके आधार पे। दूसरी बात देखिए, मैं एक और बात कहता हूँ, प्रियंका जी जवाब बोल रही थी, मैंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, अब मैं आपसे भी यही रोकूंगा, हेडलाइंस देख लेते हैं, सवाल का वक्त हो रहा, फिर मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। इस वक्त की हेडलाइंस, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, सिर्फ ये नहीं, मालेगांव समझौता एक्सप्रेस, इशरत जहां, ठीक है, एक एक आपकी जोड़ खुद दिया गया, आपने पूरी तरीके से रिवर्ट करिए, पूरी तरीके से आपने इस्तेमाल किया है एक कम्युनिटी को। अभिषेक अवस्थी जी,
राहुल गांधी का नाम ले रहे हैं विकीलीक्स के आधार पर। मुझे मालूम है कि राहुल गांधी का नाम लेते हैं आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन ये सच है। आप कहिए आपको आरके सिंह का नाम, आपको आरके सिंह का नाम याद आया, आपको राहुल गांधी का नाम ध्यान नहीं आया, आपको अपने वाइस प्रेसिडेंट का नाम ध्यान नहीं आया, आपको क्या कहा था कि एक तरफ क्या कहा था राहुल गांधी ने? देखिए आप बीच में मत बोलिए, मैं आपकी शांति से। आप सीधे ये कहिए राहुल गांधी ने क्या कहा था जाकर। इसके पहले की डिबेट में आगे बढ़े, अब तक के नतीजे आपको दिखा देते हैं। आज का सवाल है कि क्या हिंदू टेरर की थ्योरी कांग्रेस की साजिश का नतीजा है? हाँ कहने वाले एसएमएस पोल पर 97% लोग, 97% और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वालों की संख्या 86% है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि हिंदू टेरर की थ्योरी कांग्रेस की साजिश का नतीजा है। रहमानी साहब मैं आपके पास आऊँगा, असीम वकार हैं और ऐश्वर्या जी हैं, आपकी बारी नहीं आ पाई है। सीधे रहमानी साहब मैं आपसे पूछता हूं, क्या अगर असीमानंद या साध्वी प्रज्ञा या कर्नल पुरोहित का नाम आया था मालेगांव में समझौता में, उन तमाम घटनाओं में, उन तमाम ब्लास्ट में, क्या उसको उस वक्त बगैर किसी नतीजे के भगवा आतंकवाद कह देना, क्या ये जायज़ था उस वक्त की सरकार के, चाहे वो आर के सिंह रहे हों, चाहे वो सुशील कुमार शिंदे रहे हों? देखिए सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि आज जो कर्नल पुरोहित साहब की जमानत हुई है, हमको उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। उसकी बड़ी वजह यह है कि 9 साल तक अगर कोई शख्स जेल में रहे और हमारी एजेंसी उसके खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल करने में नाकाम हो जाए, तो फिर उस शख्स का हक है और इंसानी हक है कि उसे जमानत मिले। असल सवाल ये होना चाहिए कि वो एजेंसी जिनको नॉर्मल केसेस में 180 दिन के अंदर अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्जशीट दाखिल कर देनी चाहिए, 9 साल तक अगर वो दाखिल नहीं कर पा रही तो ये उनकी नाकामी है और हमारे सिस्टम के किसी न किसी हिस्से को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि नाकामी कौन, किसकी वजह से है, कौन जिम्मेदार है और उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। कि जो एक मुलजिम को 9 साल तक बगैर इल्जाम जेल में रखने में मजबूर करता है। दूसरी बात ये कि 9 साल हो या 23 साल हो, इस मुल्क में कर्नल पुरोहित नहीं, ऐसे इससे पहले बहुत से लोग हैं। और ये जो आपने सवाल किया है, ऐसा उमूमन होता रहा कि जिस दिन कोई शख्स गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार होते ही उसी दिन हमारे तमाम चैनल्स ने, तमाम मीडिया ने, एजेंसीज ने, सब ने, हमारी एजेंसीज ने भी कह दिया कि किसी ब्लास्ट के होते ही किसी के गिरफ्तार होते, ये तो फला साहब हैं, इनका तो फला ताल्लुक है, इनका फला एफिलिएशन है। ये बिल्कुल गलत है। जब तक पुलिस ने अरेस्ट किया है, अभी इन्वेस्टिगेशन होंगे, विदाउट इन्वेस्टिगेशन आप किसी को किसी भी नाम से नहीं, नहीं, मीडिया को तो रगड़ दिया जाता है। अगर मीडिया आरोपी को अपराधी करार दे रहे तो मीडिया को रगड़ दिया जाता है, कोर्ट में घसीटा जाता है। जो राजनेता नाम देते हैं भगवा आतंकवाद का, मेरा सवाल इस पे है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ऐसा नहीं हुआ। देखिए 23-23 साल तक लोग जेल में रहे हैं, जवानियां बर्बाद हो गई, 15-15, 18-18 साल के लड़के गिरफ्तार हुए, बिल्कुल 23 साल के बाद वो जेल से बेकसूर साबित होकर बाहर निकले और हम लोगों ने कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाया उस पे, किसी ने नहीं कहा। जैसे आज सिर्फ एक जमानत के मामले में ये कहा जा रहा है कि हम जीत गए, पता नहीं ये कौन सी जीत है। और मैं कहता हूं एटीएस ने तो पहले ही चार्जशीट एटीएस दाखिल कर चुका था, उसको कंटेस्ट किया गया एनआईए के थ्रू और एनआईए खुद अपनी चार्जशीट आज तक दाखिल नहीं कर सका। कर्नल पुरोहित साहब के ही मामले में हेमंत करकरे साहब ने कम से कम 44 सीडीज और डॉक्यूमेंट और आर्गुमेंट जमा किए थे, उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा। हेमंत करकरे साहब ने जो, लेकिन रहमानी साहब उनको सैल्यूट कर, अभिषेक कुछ बोला जा रहा है, 10 सेकंड, 10 सेकंड, मैं सिर्फ 10 सेकंड में कह रहा हूं कि लोग खामोश हो रहे हैं। रहमानी साहब ये सिर्फ एक व्यक्ति का मसला नहीं है, और कहना चाहता हूं एक व्यक्ति का मसला नहीं है। कर्नल पुरोहित एक ऑफिशियल मिशन पर थे सिमी की जांच करने के लिए, पूरी की पूरी आर्म्ड फोर्सेस पर सवाल उठाए गए, उनका मोरल डाउन हुआ, एक पूरे मुल्क को खतरे में डाल दिया, एसीआर में पूरे बेस्ट रिपोर्ट मिली उनको, इसके बावजूद सेना की इंटरनल रिपोर्ट में क्या आता है? सेना की इंटरनल रिपोर्ट में आता है कि वो द बेस्ट ऑफिसर है या नहीं है, हमेशा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से काम किया, इसके बावजूद अगर ये बात आती है तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का मसला नहीं है, ये पूरी की पूरी हमारी संस्थाओं को बर्बाद करने की सुनियोजित साजिश थी।
नहीं तो ये शादी झगड़ थी तो मैं सीधे ऐश्वर्या आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आप लॉयर भी हैं, आप भले बीजेपी से जुड़ी हैं, ये साफ कर दूं। एक मिनट रहमानी साहब, रहमानी साहब एक मिनट, बिल्कुल मैं यही पूछ रहा हूँ, यही पूछ रहा हूँ ऐश्वर्या से कि अगर एनआईए कांग्रेस के समय हो या यूपी या एनडीए के समय हो, अगर वो चार्जशीट नहीं फाइल कर पा रही है तो किसकी कमी है? ये कर्नल पुरोहित क्यों भुगते? देखिए इसमें कुछ ना कुछ चीज, दो चार चीजें हैं वो हमें प्रॉपरली समझ लेनी चाहिए। एक ऑफिसर जो इंडियन आर्मी का कर्नल है और उसकी सब जगह रिपोर्ट्स ये हैं कि ही इज एन एग्जेम्पलरी ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी, उनको जिनको आर्मी की वो इंटरनल इंक्वायरी नहीं थी, वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी जिसमें 122 विटनेसेस एग्जामिन किए जाते हैं। और एज अ फौजी किड मैं आपको बता दूं कि आर्मी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बाकी ऑफिशियल इंक्वायरीज की तरह नहीं होती है। आर्मी इज ट्रूली रिकॉर्ड जो 5 volumes में है, वो पहली बार क्यों पब्लिक डोमेन में आया? देखिए एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको, सेक्शन 436A है सीआरपीसी में जो 2005 में ऐड हुआ था, वो सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी अंडर ट्रायल ने अपनी पूरी सजा से आधी सजा ड्यूरिंग ट्रायल अंडर ट्रायल अगर भुगत लिए तो उसका ऑटोमेटिक बेल हो जाएगी। बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन अंडर द आईपीसी, लेकिन इस केस में क्या हुआ, मकोका लगाया गया। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का महाराष्ट्र का एक्ट है वो लगाया गया, जो जिसका जो प्रोविजन है टाडा जैसे हैं कि देयर द जेल इज द रूल एंड बेल इज द एक्सेप्शन, तो बेल वॉज जस्ट नॉट अवेलेबल। और 9 years ऐसा कहीं नहीं होता जो आप बाकी केसेस की बात कर रहे हैं 20 साल 15 साल, यही तो इल्जाम लग रहा है। ट्रायल के बाद में कन्विक्शन या एक्विटल या अपीलेट स्टेज पे कन्विक्शन या एक्विटल अलग चीज होती है। 9 years विदाउट चार्जेस बीइंग फ्रेम्ड इज अ वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चन। नहीं लेकिन लेकिन असीम वकार ये बात जो आपके नेता ने कही मैं उसको असीम वकार, तीन नेता तीनों को बेल तब मिलती है जब दिल्ली में सत्ता निजाम बदल जाती है। क्या आपको लगता है जो बात रोहिणी सेलियन ने कही उसमें दम था कि ये वर्तमान सरकार इस वर्तमान एनआईए के चीफ के जरिए केस को जानबूझ के ढीला करवा रही थी? सर उन्होंने एक चीज और कही है हमारे कौमी सदर जनाब असद ओवैसी साहब ने कि जब असीमानंद को बेल मिलती है तो एनआईए को चाहिए था कि ऊपरी अदालत में अपील करती, एनआईए ने नहीं की। यही प्रज्ञा ठाकुर के मामले में हुआ, एनआईए की जो जिम्मेदारियां थी एनआईए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। दूसरी बात, यहां सवालात बहुत से खड़े होते हैं सर। सर जमानत मिल जाना केस से बरी होना नहीं है, अभी ट्रायल चलेगा, अभी आगे देखना है क्या है। दूसरी बात, यहां आप लोग सब बहस कर रहे हैं, मैं इतनी देर से सुन रहा हूं, मैंने एक चीज बहुत ध्यान देकर सुनी, किसी ने नहीं बोली, कोर्ट के सामने माननीय न्यायालय के सामने देखिए उसके फैसले पर कोई भी हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जो न्यायालय का फैसला वो सही है, लेकिन ना मैं मौजूद था ना मेरे प्रेसिडेंट मौजूद थे। जो चार्जशीट एटीएस ने 2009 में दाखिल की थी उसमें हेमंत करकरे जी जब उसके एटीएस चीफ हुआ करते थे तो उसमें चार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, ऑडियो एविडेंस है, चार वीडियो एविडेंस है। क्या एनआईए ने माननीय न्यायालय के सामने वो एविडेंस रखे कि जिसमें अभिनव भारत की चार कॉन्स्पिरेसी मीटिंग्स में ये शिरकत करते थे कर्नल पुरोहित? लेकिन आपने माना इस बात, आप 2008-09 में जा रहे हैं, लेकिन 2014 में जो चिट्ठी लिखी कर्नल पुरोहित ने प्राइम मिनिस्टर को अपनी पूरी घटना का जिक्र करते हुए कि कैसे उनको इसमें ट्रैप किया गया, वो आपको पता है कि नहीं पता है? उन्होंने पूरी घटना का जिक्र किया। सर सर आप चिट्ठी की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक वीडियो याद दिला दूं। आपको याद होगा एक गुजरात में दंगा हुआ था, उसमें बाबू बजरंगी नाम के आदमी का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, जरा एक बार उस पर भी गौर कर लीजिएगा कि उसने उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या कहा था, जरा उसको भी संज्ञान भी लीजिए। मैं अभी सुधांशु जी लेना चाहिए, सुधांशु जी फिर मैंने आपसे कह दिया कि आप लोग बात नहीं करने देते हैं, मैं इतनी देर से बैठा सुन रहा हूं आपकी बात। सर हाफिज सईद और मौलाना अजहर मसूद भी अपने अपने आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करते हैं, तो प्लीज किसी टेररिस्ट को ग्लोरीफाई मत कीजिए। जो लोग टेररिस्ट को ग्लोरीफाई करते हैं वो भी कौन कर रहा है जनाब, कौन कर रहा है, क्या कर रहे हैं, टेररिस्ट कर रहे हैं आप? हाउ कैन यू कॉल हिम अ टेररिस्ट? आर्म फोर्सेस का आदमी, हर एक जगह उसकी एक्सीलेंट रिपोर्ट है, उसको मिशन दिया गया सिटी के बारे में, आप जांच करिए। एक बात, असीम वकार साहब कहते हैं कि आज आप ये कह रहे हैं, हर जगह नेता ने ये कहा कि इस सरकार के आने पर लगातार झूठ रहे हैं, ये गलत कहा कि पिछली सरकार ने एक एक करके जानबूझ कर गिरफ्तार किया था गलत आदमियों को। सर मैं आपके तर्क के हिसाब से, आपके तर्क के हिसाब से, आपके तर्क के हिसाब से इस सरकार के आने के बाद छूट रहे हैं, उस तर्क के हिसाब से इसके
पिछली सरकार ने जानबूझ करके बिना किसी गुनाह के, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सबूत के लगातार एक कम्युनिटी को फ्रेम करना शुरू कर दिया है। सबूत है नहीं है। असीम वकार, असीम वकार, फाइनल हो गया डिसीजन। असीम वकार, असीम वकार, 9 साल कोई वक्त होता है ना जी, 9 साल में मुकदमा नहीं हो पाना, 9 साल में चार्जशीट नहीं हो पाना, ये क्या तरीका हुआ भाई? 9 साल बर्बाद कर दिए आपकी हुकूमत भी नहीं ना सर, सुनिए, किसकी तरफ से अभी आप बैटिंग कर रहे हैं सर? सुनिए, कैसी बात कर रहे हैं? पूरी की पूरी आर्मी को पूरा रहमानी भाई ने एक बात कही सर, सुन तो लीजिए, बात तो सुनिए। आप बोलिए, सुधांशु जवाब देंगे, आप बोलिए, सुधांशु जवाब देंगे, 30 सेकंड बोलिए। तस्लीम रहमानी साहब ने भी बहुत अच्छी बात की कि 18-22 साल और 25 साल के बच्चों को जेल में डाला गया और 20-20 साल बाद रिहा किए गए। सर सुनिए पहले आप मेरी बात को, मैं कांग्रेस से सवाल खड़ा करता हूं कि आपने जब कर्नल पुरोहित के खिलाफ सबूत थे, चार्जशीट दाखिल हो गई थी, दो दो चार्जशीट दाखिल हुई है, तो आपने चार्जेस फ्रेम क्यों नहीं किए, ट्रायल क्यों नहीं शुरू कराया गया? इस पर सवाल खड़ा होता है। आप देश को धोखे में रख रहे हैं, आपको देश को जवाब देना होगा, आपको बिल्कुल जवाब देना होगा। हम भी आपसे जवाब मांगेंगे और हर आदमी जवाब मांगेगा कि कांग्रेस ने इतने साल तक इस बात को लटका के को रखा। प्रियंका जी, आप जवाब दीजिए, सुरक्षित हाथों में सेक्युलर प्रियंका चतुर्वेदी, आप जवाब दीजिए। मैं तो बस यही कहूंगी, ये सवाल खड़ा होता है। नहीं, मैं जो असीम वकार के सवाल का जवाब दीजिए, एमआईएम के प्रवक्ता हैं, ये AIMIM के प्रवक्ता हैं, जो कि RSS का दूसरा पहलू ही है इस देश में। एक तरफ ये है, आपको तो मालूम है ना, आपकी सरकार बचाई थी इन्होंने, यही कहना चाहूंगी, आपकी सरकार इन्होंने ही बचाई थी, कहना चाहूंगी मैं। देखिए ऐसा है, आप बात कर लीजिए, आप मोहन सिंह के सवाल मुझसे शायद पूछा गया था, पर आप जवाब दे दीजिए। तो अरे आप पहले ये तो बता दीजिए कि आपकी सरकार एक वोट से AIMIM ने बचाई थी ना, ये मोदी जी सरकार। अभी देखिए एक मिनट प्रियंका, इस फैक्ट की MIM सपोर्ट कर रही थी UPA को, आप आगे बोलिए। नहीं, मैं बस यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगी कि NIA इन्वेस्टिगेशन अगर जल्दी होता तो कहा जाता कि देखिए किस तरीके से हड़बड़ी में ये प्रूफ करने की कोशिश की जा रही है कि इस तरीके का टेररिज्म है। अगर अगर समय लेकर 3 साल से आपकी सरकार है, कर्नल पुरोहित ने आपको लिख कर दिया, कर्नल पुरोहित का अभी कोई हवाला दे रहे थे कि उन्होंने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को, तब जाकर सब दूध का दूध पानी का पानी हुआ। तो एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, 3 साल में आपने क्या किया, 3 साल में आपने क्या किया? जिनको बेल मिलती है आप उनको क्लीन चिट दे देते हैं, साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे देते हैं, क्या आप कह रहे हैं 5 साल क्लीन चिट या सजा जो भी आपको दे रहा है, तब आपको आगे आना चाहिए था। 4 साल हमारी, 3 साल आपकी क्या किया रहे थे उसके साथ, आपने हेमंत, आपने हेमंत करकरे की कत्ल की कितनी जांच की है? आप क्या बात कर रहे हैं प्लीज आप करकरे जी पे ना आइए, करकरे जी पे तो राजनीति किस तरीके से उस गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने की थी, वो भी जानते हैं। 6 साल आपने क्यों हद से जाने दिया? प्रियंका जी जो सवाल किया था शुरुआत से आपको जवाब दिया था, शायद देश में वोट दे रहा है। सुधांशु जी सुधांशु त्रिवेदी ऑन द स्क्रीन, सुधांशु त्रिवेदी ऑन द स्क्रीन, सुधांशु जी मुझे आपसे एक दो सवाल पूछने और वो कड़े सवाल है। मैं सीधे आपसे जानना चाहता हूँ, ये इल्जाम लग रहा है शरद कुमार NIA चीफ को बार बार एक्सटेंशन इसीलिए दिया जा रहा है कि इन तमाम केसेस में जहां जहां भगवा परिवार के लोग फंसे हुए हैं उन सबको निकाल लिया जाए। ये बड़ा इल्जाम, गंभीर इल्जाम लगाया शरद कुमार पर, आपकी आपकी सरकार पर। देखिए बड़ी आश्चर्य की बात है, एक तरफ यह तथ्य रखा जा रहा है कि NIA ने बेल का विरोध किया प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मामले में भी और कर्नल पुरोहित के भी मामले में, और दिया है कोर्ट ने, तो मैं कांग्रेस का आरोप ही नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या वो कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं। NIA ने तो अपना काम किया है पूरा। दूसरी बात, अब मैं बहुत देर से मैं शांत बैठा हुआ था, मैं थोड़ा केवल एक मिनट में बहुत सारी बातों को बिंदुवार करना चाहता हूं। प्रियंका जी ने अभी MIM को कहा कि वो RSS का है, तो एक वाक्य उस पर भी कहना चाहूंगा कि MIM अगर किसी पार्टी के साथ ऑफिशियली गठबंधन में रही है तो अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के साथ, और जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो घृणित बयान दिया था उस समय वो कांग्रेस के गठबंधन सहयोगी थे, तो कौन किसके साथ है वो अलग। अब आता हूं आतंकवाद के मुद्दे पे। देखिए एक बात बड़ी अच्छी सीम वकार ने कही कि भाई चार्जेस क्यों नहीं फ्रेम हुए। 2008 में
अजमल आमिर कसाब की घटना हुई, 14 तक उसको फांसी हो गई और 2008 में एक केस फ्रेम हुआ, 14 तक चार चार्जेस नहीं फ्रेम हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? कारण यह था कि इनिशियल जांच कह रही थी कि यह सिमी का काम है, पाकिस्तान से जुड़ा काम है, लश्कर ए तैयबा का काम है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज ने लश्कर ए तैयबा का माना, उसी के आधार पर आरिफ कस्मानी को टेरर फंडिंग का दोषी माना और यह भी कहा कि अलकायदा ने एलईटी की मदद की। और आपको बताऊं कि डेविड हेडली की तीसरी बीवी फौजिया औतुल्ला ने अपने बयान में कहा कि मेरे पति का दुरुपयोग किया गया एक फंडिंग के मामले में, जो फरवरी 2007 में एक ट्रेन ब्लास्ट में जिसमें 68 लोग मारे गए। इस आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज भी यह मानती है कि वो लश्कर ए तैयबा का काम था। यही भारतीय सुरक्षा एजेंसियां मान रही थी, पर यह भारत की इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री का एक अंतिम उदाहरण था कि यू टर्न होता है, अचानक कोई पलट जाता है। तथ्य थे नहीं तो प्रेम कर नहीं आए, समस्या ये थी। आज के ओवर बने हुए हैं मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक तुरंत हाजिर होता हूँ, बताइए हमारे साथ हम तो पूछेंगे। मैं बड़ी बहस जारी है कि क्या कांग्रेस ने भगवा टेरर की थ्योरी देकर एक साजिश रची थी। आपने हेमंत करकरे के कत्ल की कितनी जांच की है? डिबेट में आगे बढ़े उसके पहले अब तक के नतीजे देख लेते हैं। आज का हमारा सवाल है कि क्या हिंदू टेरर की थ्योरी कांग्रेस की साजिश का नतीजा है? हाँ कहने वाले 97% लोग जो इस डिबेट को देख रहे हैं, और ट्विटर पोल पर हाँ कहने वालों की संख्या 87% है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि कांग्रेस की साजिश का नतीजा है जो हिंदू टेरर का नाम दिया गया। लेकिन मैं डिबेट में आगे बढ़ूंगा। ऐश्वर्या, आप एकमात्र हैं जो आधिकारिक तौर पर वकील है मेरे साथ। मैं सीधे आपसे पूछता हूं, बेल का मतलब और दैट टू कंडीशनल बेल, इसका मतलब बाइज्जत बरी होना तो नहीं, है नहीं? नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी भी दोषी साबित हो सकते हैं? नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली। तो जब दोषी साबित हो जाएंगे तो क्या हिंदू टेरर कहा जा सकता है? वो भी एग्जामिन होना पड़ेगा। खाली देखिए, कोई भी जब कानून किसी क्रिमिनल केस को एग्जामिन करता है तो वो ये उसके पीछे की जो बैकग्राउंड कॉन्स्पिरेसी है वो अलग फैक्ट्स हैं। पहले तो ये डिटरमिन होना पड़ेगा कि कर्नल पुरोहित का इसमें क्या रोल था, इस ऑफेंस में उनका हाथ था कि नहीं था, साध्वी प्रज्ञा का इसमें रोल था। जो चार्जेस है वो तो आरडीएक्स देने के हैं, आरडीएक्स प्रोवाइड करने के साथ 70 किलो। देखिए वो भी दोनों चार्जशीट्स में, दोनों एटीएस और एनआईए की चार्जेस में कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें। कॉन्ट्रडिक्शन है, और आर्मी के जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी उसमें ये सारे ही चार्जेस थे। उसमें ये भी था कि उन्होंने किस तरह से मिसयूज किया, क्या वो सब वेपन्स उन्होंने लिए, एक्सप्लोजिव्स वगैरह पे भी वो पूरी तरह 122 विटनेसेस को एग्जामिन करके छोड़ा गया है, और उसका भी कोई ना कोई वैल्यू होगा। देखिए एक बात जरूर हमें समझनी पड़ेगी कि कर्नल पुरोहित इज नॉट जस्ट एन आर्मी ऑफिसर, ही इज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर। और मिलिट्री इंटेलिजेंस जहां पे सारे आपको जो ऑर्डर रिटर्न में नहीं मिलते हैं, there are oral orders that you have to follow. जी असीम अकार, देखिए मैं यहाँ पर मैं एक बात यहाँ आता हूँ रहमानी साहब, बहुत मुझे 10 सेकंड मैं आ रहा हूँ रहमानी साहब, वकार साहब के बाद आ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, वकार साहब पहले, वकार साहब सर देखिए सीधी मैंने देखिए सर सीधी सी बात है कि आपने मेरी बात कह दी, बहुत अच्छी बात है कि अभी जमानत मिली है वो भी कंडीशनल बेल है, अभी उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया है। दूसरी बात, अभी यहाँ पर आर्मी इंटेलिजेंस की बात हो रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो सर ये हमारा जो मुल्क है ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, डेमोक्रेसी है यहाँ। हमारे यहाँ जो इंटरनल अफेयर्स हैं या इंटरनल मामले हैं, इनके लिए आईबी है, सीबीआई है जी, और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वो दूसरे कामों के लिए है सर। पहले तो ये बात समझ लीजिए, इसको भी हमको समझना होगा। नहीं नहीं, अगर देश के अंदर देश को विघटन करने की कोई ताकतें कुछ काम कर रही हैं तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता रहा है और होगा।
तो सर ऐसा थोड़ी कि पाकिस्तान में जाकर या चीन में जाकर ही काम कर रहे हैं। सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए, बताया है कर्नल पुरोहित खुद बताया है कि उन्होंने 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 जो आपकी इनकी जो तंजीम थी अभिनव भारत, उसकी चार मीटिंग्स कॉन्स्पिरेसी मीटिंग्स अटेंड की, अपने ऊपर के लोगों को बताया। तो मैं सीधी सी बात है, तो देश तो तोड़ने वाले लोग सामने हैं, अभिनव भारत है, आप इस पर प्रतिबंध लगाइए, आप इसको आईएसआईएस और लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंध था, खतरनाक उसकी जांच कर रहे थे, उसके अंदर घुसे हुए थे वो, सुधांशु जी गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी सीमी पर, जिस पर ऑलरेडी बैन था सर अभिनव भारत, अभिनव भारत जिस पर अभिनव भारत उसी में शामिल जिस पर ऑलरेडी बैन था आप क्यों को बता रहे हैं सुमित रहमानी साहब, सुधांशु त्रिवेदी, रहमानी साहब इसके बाद आ रहा हूँ, सुधांशु त्रिवेदी, रहमानी साहब इसके बाद आ रहा हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए वकार की बातों का, सुधांशु त्रिवेदी वकार साहब की बात के जवाब दीजिए, अभिनव भारत को आप क्यों बचा रहे हैं। कर्नल पुरोहित ने साफ तौर पर यह कहा जो टेररिस्ट वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी के रूप में एंटी टेरर, अरे भाई ये क्या है, बोलिए बोलिए सुधांशु जी, बोलिए चुप है, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी के रूप में एंटी टेरर स्लिप सेल में काम कर रहे थे और मिलिट्री के 59 अधिकारियों ने इसकी पुष्ट की, 59 अधिकारियों ने, उसका संज्ञान या कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया, ये अपने आप में संदेह पैदा करता। और बाकी तकनीकी पक्ष छोड़िए, मैं एक राजनीतिक पक्ष कहता हूं, जनाब पहली चार्जशीट 2011 में दाखिल हुई, जजमेंट तो अभी तक नहीं आया है, तो कायदे से अगर सरकार किसी निष्कर्ष पर पहुंची तो चार्जेस फ्रेम करने के बाद ही पहुंचना चाहिए ना, मगर 2011 में चार्जशीट से पहले, ये 2009 में दिग्विजय सिंह हिंदू आतंकवाद यूज करते हैं, 2009 में राहुल गांधी यूज करते हैं, 2008 में चिदंबरम फ्लोर ऑफ द हाउस पे सेफरेंट टेरर यूज करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आया कि चार्जेस फ्रेम होने से दो साल पहले शब्द ये प्रयोग कैसे होने लगा, इसका मतलब ये विचार, ये मानसिकता यूपीए ने पहले बना ली थी और सारा ताना बाना उसके इर्द गिर्द बिना जा रहा था जी। हम तो हर तरह के, अरे सब किसी भी आतंकवादी होता, वही लोग कह रहे थे सैफन, बात यह है कि जो लोग ने कहा आतंकवाद का कोई कलर नहीं होता, उन्हीं लोगों ने कहा तस्लीम रहमानी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं काफी देर से शांत बैठा हुआ था, ये जो लोग, मैं एक लाइन में कह, एक लाइन और कहना चाहता हूँ, जो लोग आतंकवाद को जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं कि ये 2002 का रिएक्शन था, तो मैं पूछना चाहता हूँ 2001 का 9/11 क्या था, वो भी 2002 के लिए था क्या। कर्नल पुरोहित को क्लीन चिट मिले या ना मिले, अगर इक्विट भी कर दिया जाए कर्नल पुरोहित को, तब भी हिंद सैफ्रॉन टेररिज्म से इस मुल्क में इंकार नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अभिनव भारत जिसको रिवाइव किया वो कर्नल पुरोहित ने रिवाइव एक किया, भी घटना नहीं है, एक भी घटना नहीं है टेररिज्म की, एक भी घटना नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल इंसिडेंट, नॉट इवन अ सिंगल इंसिडेंट, अननेसेसरी आप विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। रहमानी साहब जो ही आप सैफन टर्न का नाम लेंगे ना, आप ये मान रहे हैं आतंकवाद का, तो आप तमाम सिमी, तमाम सिमी आईएसआई, इन सबका सैफन टर्न को डिनाई नहीं करना सकता, क्या कहेंगे रहमानी साहब, आप क्या कहेंगे, अरे आप इसको क्या कहेंगे, आप पिछले 30 साल से क्या अभी उसको, रहमानी साहब आप ये बताइए बाकी लोगों के लिए आप क्या कहेंगे, इस्लामिक टेररिज्म चुनी हुई सरकार, इस्लामिक टेररिज्म, यू आर एक्सेप्टिंग इस्लामिक टेररिज्म, यू आर एक्सेप्टिंग इस्लामिक टेररिज्म, कैसे कैसे, मैं अगर आप टेररिज्म कहते हैं तो आप बाकी सब क्या कहेंगे, अगर आप अभिनव भारत को सर्वर टेररिज्म कहते हैं तो बाकी आतंकवाद आप कौन सा कहना देंगे, हमारी साथ यू हैव एक्सेप्टेड इट, ब्रिस्बेन मैड्रिड सब जगह विस्फोट हो रहे हैं, आपने एक्सेप्ट किया तस्लीम रहमानी, क्रिश्चियन टेररिज्म भी है वहां पर, तो कोई रिलीजन का नाम नहीं लेना चाहिए, मगर यहां कुछ भी फ्रेम ना हो गया, कह रहे हैं सर्वर टेररिज्म होना चाहिए, वाह बड़ा, कैसे कैसे कहां एग्जांपल रहमानी साहब, इसलिए मैं कहता हूं ये वैश्विक टेररिज्म भी है, क्रिश्चियन टेररिज्म भी है, ज्यूस टेररिज्म भी है, मुस्लिम टेररिज्म भी है, इंकार करने से कोई फायदा नहीं है, सच बोलना चाहिए, लोगों को सच मालूम होना चाहिए कि टेररिज्म को रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कलर दे के लोगों को परेशान किया जा रहा है, फिर चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ज्यूस है, सबके टेररिज्म मौजूद है,
इनकार नहीं कर सकते। इस मुल्क में बजरंग दल है, शिवसेना है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सबके सब कौन है? अगर इनका ताल्लुक है टेररिज्म से नहीं है तो किससे? और ये साबित हो चुका है अभिनव भारत नहीं, आप क्या कहने का तात्पर्य? व्हाट डू यू मीन? हमारी साहब क्या चाहते हैं? आप क्या कहने का तात्पर्य? इसमें कोई आतंकवाद है? कमाल कर रहे हैं आप, कमाल कर रहे हैं आप, बात कर रहे हैं रहमानी साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हो गए, एसएससी से कर्नल पुरोहित काम कर रहे हैं, इस ढंग के पढ़े लिखे आदमी हो गए, आप इस ढंग की बात कर रहे हैं। 76 आर्मी के साथ और याद करिए, लोग अगले जाते हैं कम्युनिटी का नाम लिया है, इसलिए आपको बैलेंस करने के लिए आपने नाम लिया है। दुनिया भर में रहमानी साहब तो फैक्ट है, अरे दुनिया भर में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, रहमानी साहब पूरी दुनिया परेशान है। 97 में दुनिया भर में जो आतंकवाद का रूप अभी देखने को मिल रहा है वो एक मजहब से जुड़ता है, उसके बावजूद भी आप हर मुसलमान को आतंकवादी नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। रहमानी है साहब बैठे हैं डिबेट में, हम कहने कतई नहीं कहते ऐसी कोई बात, लेकिन एक लास्ट कमेंट प्रियंका मैं आपका जरूर लूंगा, क्या नहीं हर हिंदू को भी नहीं कह सकते? ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक लाइन, एक एक रहमानी साहब, पकार साहब, एक मिनट, बस एक 10 सेकंड में, प्रियंका चतुर्वेदी, क्या हिंदू टेरर का नाम देकर, भगवा टेरर का नाम देकर कांग्रेस ने गलती कर दी थी? नहीं कहना चाहिए था उस टाइम पे? नहीं, वो आप नहीं, वो आप बीजेपी के एमपी से बात करिए जो होम सेक्रेटरी थे, जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी और जिन्होंने ये बात की थी, होम सेक्रेटरी आप मुझे बस ये बताइए, आज अभिनव भारत में एक आर्मी मैन जो इंटेलिजेंस से कनेक्टेड था, सुशील कुमार शिंदे के बारे में जवाब दीजिए, दिग्विजय सिंह के बारे में जवाब दीजिए, उनको आज भी ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं आरके सिंह से पूछिए, मैं माफी चाहूंगा, यहाँ कमाल है, शर्मा नहीं चाहिए, एक मिनट प्लीज, आप बात कर लीजिए, मैं प्लीज, आई एम रियली सॉरी, सुशील शिंदे की बात मत, आई एम रियली सॉरी, आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, थैंक यू सो मच तमाम पैनलिस्ट का, लेकिन कर्नल प्रसाद पुरोहित को जिस तरीके से जमानत मिली सशर्त, उसके बाद ये डिबेट और बड़ा हो गया है कि हिंदू टेरर का नाम जो दिया, भगवा टेरर का जो नाम दिया कांग्रेस के जमाने में दिया गया, क्या वो जायज था या ना जायज था? ज्यादातर लोग कह रहे हैं कांग्रेस की थ्योरी गलत थी, हमारे पोल का नतीजा उसी तरफ आया। इसी नोट पर मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए सीधे ले चलूंगा आपको किशोर के पास 100 बात की एक बात के लिए। गुड नाइट।